करही अली। नित्य निकुंज बिहारी की, उस नित्य निकुंज में सब कुछ नित्य है। नित्य नए बसन नित्य आभूषण, नित्य नए केसन कुमुद कली। कहने का भाव ये है, निकुंज बिहारी के असन बसन भी निकुंज बिहारी ही है।
निकुंज बिहारी की जो सेवा कर रही हैं वो सखी सहचरियां भी निकुंज बिहारी ही हैं। श्री यमुना जी जो इस रूप में यहाँ पर प्रवाहित हो रही वह भी कुछ और नहीं, नित्य निकुंज बिहारी का प्रेम ही तो द्रवीभूत होकर इस रूप में प्रकट हो रहा है। जय नित्य निकुंज बिहारी की नित्य सेवा भी नित्य ही है, नित्य आभूषण भी नित्य है। और जितनी बार आप दर्शन करो बिहारी जी के मंदिर में ही जाओ, जितनी बार आप दर्शन करोगे बिहारी जी अलग अलग नए नए ही लगेंगे। कोई यह नहीं कह सकता कि सुबह से यही श्रृंगार है, जितनी बार पर्दा हटेगा उतनी बार बांके बिहारी नए नए लगते कि नहीं लगते। अगर लगते हैं तो जोर से श्री हरदास बोलो। श्री हरदास नित्य ही लगता है, ये वृंदावन ही नित्य है। अभी बाबा ने गाया ना, नित्य वृंदावन धाम, नित्य वृंदावन धाम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर क्षण हर पल हर समय केवल नित्य बिहारी की नित्य लीला हो रही है। नव नव नूतन क्रीड़ाएं संपन्न करा रही हैं सखी सहचरियां, इसीलिए इस धाम को नित्य वृंदावन धाम कहा जाता है। नित्य मेरो लालन नित्य ही लली, यह भी नित्य है। ना कभी प्रकट हुए ना कभी अंतर ध्यान होते, बस नित्य है, नित्य है, नित्य है, नित्य है। जितने अवतार हम सब देख रहे हैं वह तो इन सब के केवल अंश अवतार हैं। पूर्ण कला अवतार, पूर्ण अंश अवतार तो केवल बिहारी जी महाराज हैं, केवल नित्य निकुंज बिहारी हैं। इसलिए यहाँ कुछ भी अनित्य नहीं है, सब नित्य ही नित्य है। यहाँ के वासी नित्य है, यहाँ के संत नित्य है, यहाँ की उपासना नित्य है, यहाँ की साधना नित्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ के ठाकुर ही नित्य है प्यारे। इसलिए दोनों भुजा उठाओ और आनंद में गाओ। बने तो सखी सहचरियों के लाड की कौन तुलना कर सकता है? उन सहचरियों के हृदय के भाव की कौन व्याख्या कर सकता है? जिनका अपना कोई सुख ही नहीं, केवल प्रिया प्रीतम के सुख की कल्पनाओं में जो खोई रहे, प्रिया प्रीतम के सुख की जो केवल उनको सुख देने के लिए ही अपने जीवन को न्योछावर करे रहे, जो केवल प्रिया प्रीतम की नित्य नूतन क्रीड़ाओं को संपादित करने के लिए तल्लीन रहे, वही तो सखी भाव है, वही तो सहचरी भाव है। इसीलिए हमारे श्री बिहारीन बिहारी जी हमारे युगल सरकार नित्य दुल्हा दुल्हन से लगते। जब देखो श्रृंगार ऐसा ही होता है, कभी भी देखो ऐसा लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा बस नित्य, क्योंकि हमारी उपासना ही केवल सुख सेज की उपासना है, हमारी उपासना ही सुख सेज की उपासना है। और भी ज्यादा दूर की क्या बात करें, क्योंकि स्वामी जी कृपा करते हैं तभी उस निवृत्त निकुंज का रहस्य लीलाएं प्रकट होती हैं। लेकिन आप अपनी आंखों से देखो, इसी वृंदावन में अगर आप राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाओगे तो हर दूसरे दिन ब्याहवला होता है कि नहीं होता है? हर दूसरे तीसरे दिन ब्याहवला, हर समय विवाह की तैयारी, हर समय दुल्हा बन करके तैयार रहते हैं। बस यही यही उपासना है वृंदावन की,
यही लाड चाव है वृंदावन का। हम निवेदन करें आज बसंत पंचमी के उत्सव पर, अगर आप सब ने अपने घर में श्री प्रिया प्रीतम की सेवा को पधरा रखा है तो उनको एक किनारे मत रखना, उनकी सेवा से किनारा मत करना। बड़े भाग्य से प्रिया प्रीतम जीवन में आते हैं, यह भाव कदापि मत रखना कि हम वृंदावन से किसी मूर्ति को लेकर के अपने घर में विराजमान कर रहे हैं। नहीं नहीं भैया, हमारे घरों में हमारे पास जो हमारे निज ठाकुर होते हैं वो ना मूर्ति है, ना विग्रह है, ना वो धातु के हैं, ना वो काष्ठ के हैं, ना वो पत्थर के हैं, किसी के नहीं है। वो केवल श्री बांके बिहारी जी ने आपके लिए उस रूप में आपको सुख देने के लिए अवतार ले रखा है। वो पूर्ण प्रकट बिहारी होते हैं। बनावत भगवत नित केली बिलोकट चित्त ना चली। नित नई सेज बनावत भगवत, कभी कभी कुछ देर के लिए कुछ मानसी सेवा में भी प्रवेश किया कर, जहां केवल आप हो और आपके ठाकुर हो। नित नई सेज बनावत भगवत, यही उपासना है, यही प्रेम है। कभी कभी उनकी कल्पनाओं में खो जाया करो, और सच बताऊं उनकी कल्पनाओं में खोना ही जीवन है। इनकी सेवा में जब तक हो जब तक ही जीवित हो, वरना तो भक्ति शून्य जीव को मुर्दा कहा गया है, क्या मृत कहा गया है। इसलिए अगर अपने आप को जीवित समझते हो तो अहर्निश सेवा का भाव रखा करो। प्रकट रूप से सेवा में पहुंच रहे हो तो बड़ी कृपा, अगर प्रकट रूप से सेवा में नहीं हो तो मानसी सेवा का अभ्यास डाला कर। केली विलोकत चित्त ना चली, क्यों? क्योंकि सरकार है ही ऐसे, श्री बिहारी जी महाराज है ही ऐसे। पहले जीव तरसता है कि लीला का दर्शन नहीं होता, इसलिए तड़पता है, इसलिए साधन करता है, और जब लीला का यदा कदा दर्शन हो जाए तो इसलिए रोता है कि नित्य क्यों नहीं होता। पहले तरसता है कि लीला का दर्शन क्यों नहीं होता, और संतों की कृपा से सदगुरुदेव की कृपा से यदा कदा लीला का दर्शन कोई झांकी झलक हो जाए तो फिर जीव तड़पता है कि नित्य क्यों नहीं होता। जिस दिन ये स्थिति बन जाए कि बस नित्य लीला का दर्शन नित्य प्रति करना है, समझना उस दिन कृपा का द्वार खुल जाएगा, उस दिन कृपा का द्वार खुल जाएगा। इसलिए यात्रा संतोष मत कर लेना, वृंदावन की उपासना ऐसी नहीं है। वृंदावन की उपासना में संतोष नाम का कोई शब्द ही नहीं है, या तो हर पल प्रतिक्षण केवल प्रतीक्षा करनी है कब युगल हमारी कुंज में पधारेंगे और हम भी युगल की सेवा को संपादित करके अपने सौभाग्य को मनाएंगे। इसलिए थकना नहीं, हर पल रटना और उम्मीद लगाकर बैठे रहना, सरकार आप भी तो हमारे हो, हम भी तो आपके हैं। इसलिए एक बार कृपा करके पधारो और रसिकों की आचार्यों की वाणी का आश्रय लेते हुए जो जो इस रस मार्ग पर चलता है, फिर कोई संदेह नहीं
जिसने आचार्यों की वाणी का, रसिकों की वाणी का अनुसरण कर लिया, फिर संदेह नहीं कि प्रिया प्रीतम प्राप्त नहीं होंगे। अरे प्रत्यक्ष नहीं तो स्वप्न में, स्वप्न नहीं तो प्रत्यक्ष में किसी ना किसी रूप में लीला का दर्शन होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि वृंदावन की उपासना से जुड़े हो तो केवल आचार्यों की वाणी का दर्शन करना, आचार्यों की वाणी का दर्शन करना, आचार्यों की वाणी का ही श्रवण करना, चिंतन करना, मनन करना, गायन करना, क्योंकि ये केवल वाणी नहीं है, यह सिद्ध मंत्र है, जिस मंत्र के सिद्ध होने पर श्री ठाकुर की प्राप्ति हो जाती है प्यारे। इसलिए पुकारिए बैठने आए हो क्या? उत्सव का मतलब होता है मन में उत्साह। अगर मन में ही उत्साह नहीं है, ठाकुर जी के चरण सन्निधि में व्यक्ति भी अगर घुटनों के दर्द सता रहे हैं तो उत्सव में कहां हो। इसलिए ऐसे नहीं, जो हाथ यहां है वो हाथ ठाकुर की सेवा में हो। दोनों हाथ उठाओ और भाव से गाओ भगवत नित नहीं सेज बनावत भगवत के
चली केली विलोकत जितना चली। ओ नित मेरो लालन नित ही लली, नित मेरो लालन नित ही लली, नित मेरो लालन नित ही लली, नित मेरो लालन नित ही एक बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।